संत कबीर नगर से भी इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है और यहां पर भी नाव पलटी है। संत कबीर नगर में भी नाव पलट गए हैं। नाव पलटने से 3 बच्चे डूबे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 बच्चों को बचा लिया गया लेकिन 1 बच्चा लापता है। इस वक्त संत कबीर नगर से एबीपी गंगा पर यह बड़ी खबर, लापता है 1 बच्चा और प्रशासन उस लापता बच्चे को बचाने में, उसको तलाश करने में फिलहाल जुटा हुआ है। संत कबीर नगर से इस वक्त बड़ी खबर। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी देवरिया में नाव पलटी थी जिसमें 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, 5 लोगों की मौत हो गई, तो वही संत कबीर नगर में भी नाव पलटी है और बताया जा रहा है कि 3 बच्चे इसमें डूबे हैं। जब 2 को बचा लिया गया है, 2 सुरक्षित हैं लेकिन 1 लापता है। अभी संत कबीर नगर से इस वक्त की एबीपी गंगा पर यह बड़ी खबर, जान नाव पलटी है, नाव पलटी है, नाव पलटने से 3 बच्चे डूबे लेकिन 2 को बचा लिया गया लेकिन एक बच्चा भी लापता है, वो गायब है, उसकी तलाश की जा रही है, उसको ढूंढा जा रहा है। लेकिन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और बढ़े हुए जलस्तर में जो पानी का वेग है वो भी ज्यादा है, इस वजह से रेस्क्यू में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। संत कबीर नगर से भी इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है और यहां पर भी नाव पलटी है। संत कबीर नगर में भी नाव पलट गए हैं। नाव पलटने से 3 बच्चे डूबे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 बच्चों को बचा लिया गया लेकिन 1 बच्चा लापता है। इस वक्त संत कबीर नगर से एबीपी गंगा पर यह बड़ी खबर, लापता है 1 बच्चा और प्रशासन उस लापता बच्चे को बचाने में, उसको तलाश करने में फिलहाल जुटा हुआ है। संत कबीर नगर से इस वक्त बड़ी खबर। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी देवरिया में नाव पलटी थी जिसमें 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, 5 लोगों की मौत हो गई, तो वही संत कबीर नगर में भी नाव पलटी है और बताया जा रहा है कि 3 बच्चे इसमें डूबे हैं। जब 2 को बचा लिया गया है, 2 सुरक्षित हैं लेकिन 1 लापता है। अभी संत कबीर नगर से इस वक्त की एबीपी गंगा पर यह बड़ी खबर, जान नाव पलटी है, नाव पलटी है, नाव पलटने से 3 बच्चे डूबे लेकिन 2 को बचा लिया गया लेकिन एक बच्चा भी लापता है, वो गायब है, उसकी तलाश की जा रही है, उसको ढूंढा जा रहा है। लेकिन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और बढ़े हुए जलस्तर में जो पानी का वेग है वो भी ज्यादा है, इस वजह से रेस्क्यू में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। संत कबीर नगर से भी इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है और यहां पर भी नाव पलटी है। संत कबीर नगर में भी नाव पलट गए हैं। नाव पलटने से 3 बच्चे डूबे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 बच्चों को बचा लिया गया लेकिन 1 बच्चा लापता है। इस वक्त संत कबीर नगर से एबीपी गंगा पर यह बड़ी खबर, लापता है 1 बच्चा और प्रशासन उस लापता बच्चे को बचाने में, उसको तलाश करने में फिलहाल जुटा हुआ है। संत कबीर नगर से इस वक्त बड़ी खबर। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी देवरिया में नाव पलटी थी जिसमें 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, 5 लोगों की मौत हो गई, तो वही संत कबीर नगर में भी नाव पलटी है और बताया जा रहा है कि 3 बच्चे इसमें डूबे हैं। जब 2 को बचा लिया गया है, 2 सुरक्षित हैं लेकिन 1 लापता है। अभी संत कबीर नगर से इस वक्त की एबीपी गंगा पर यह बड़ी खबर, जान नाव पलटी है, नाव पलटी है, नाव पलटने से 3 बच्चे डूबे लेकिन 2 को बचा लिया गया लेकिन एक बच्चा भी लापता है, वो गायब है, उसकी तलाश की जा रही है, उसको ढूंढा जा रहा है। लेकिन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और बढ़े हुए जलस्तर में जो पानी का वेग है वो भी ज्यादा है, इस वजह से रेस्क्यू में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं।